हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से आ गए हैं अपने इसी ही गार्डन में एक और पेंटिंग करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने अड्डे पे। आज हम थोड़ा जल्दी आए हैं और अपना खाना पीना भी साथ लेकर आए हैं, तो देखते हैं हम अपनी सीट पे चल के कि हम आज क्या खाने वाले हैं और हम आज क्या लेकर आए हैं। देखो, मुझे यहाँ की गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी आर्टिस्ट आज क्या करने वाली है। मैडम आप आज क्या बनाएंगी? मैम आप आज कुछ डिसाइड नहीं है। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ चलिए, हम भी चले जा रहे हैं अपनी सीट के लिए। हमारी सीट वहाँ, कल हम वहाँ बैठे थे इतनी दूर। कल हम कहाँ बैठे थे दिखाती हूँ। कल हम वहाँ बैठे थे, वो उस बेंच पे दम कोने में उसके। कितना सुहाना मौसम है, धूप भी है, पेड़ों की छांव भी है और हवा भी है और हम भी हैं, अच्छा लग रहा है। ये आज काफ़ी पब्लिक है, कल से ज़्यादा है। आज कल कम थी, कल इस जगह पे हम ही लोग थे बस। और ये देखिए, ये घूम घूम के जा रही हैं। भैया हमारा लंच मत बिखरा देना, उसमें बिखर जाएगा, सब इधर उधर हो जाएगा। चलो 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 चलो। ये देखो यहाँ पे डस्टबिन भी है और यहाँ पर ये बैठने के लिए बना रखा है, छाँव के लिए काफ़ी अच्छा है। दिन में भी यहाँ पर लोग बाग आते हैं। ओह शिट दोस्तों, अफसोस आज हमारी सीट पे कोई बैठ गया है, आज हमारी सीट रिजर्व हो गई है। बट कोई नहीं, देखते हैं, क्या पता वो आंटी पति आ रही है, क्या पता वो आंटी सीट हमारे लिए खाली कर दें। हाँ चलो कोई नहीं, हम वहीं जाके बैठेंगे, क्योंकि हमारी जो आर्टिस्ट हैं वो तो नीचे कट्टा बिछा के बैठेंगे, हम बैठेंगे बेंच पे। तो चलिए हम लग जाते हैं अपने सिटिंग अरेंजमेंट में। देखिए यहाँ पर ये आंटी बैठी हुई हैं और ये हमारी सीट है। चलो बैठते हैं अब हम। तो चलिए हम आंटी जी चली गई हैं हमारे लिए सीट खाली करके, उनको जाना ही था। थैंक यू आंटी जी, आंटी जी चली गई हैं। अच्छा अब हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेकर आए हैं आज लंच के लिए। चलिए, घूमर घूमर रे,
की ले रही है, कैसे खेल रही है। भाई तेरे पास आ गई। तो ये गाइस देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में दीदी ने बस स्केचिंग की है, तो ये वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि दीदी ने कैसे बनाया है। ओके, वो जो आंटी बैठी है ना, वो यहाँ पर पक्षियों को खाना खिलाती हैं और अब वो इनको बुला रही हैं, दाना डाल रही हैं। तो देखिए गिलहरी, कौवे, चिड़िया सब आ जाते हैं यहाँ पर उनका दाना चुगने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये कैसे खेल रही हैं गिलहरियाँ, और ये देखिए वो देखिए उधर कैसे कौवे और सब पक्षी इकट्ठे हो रखे हैं। वो आंटी वहाँ पर उनको दाना डाल रही हैं। देखो देखो तुम्हें कितना अच्छा। और वो इनको बुला भी रही हैं, आ जा करके, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये डेली खिलाती हैं कौओं को और गिलहरियों को दाना डालती हैं। ये भी एक अच्छी सेवा है ना। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप किसको खिलाते हैं, डॉगीज को आप फीड कराते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी तरह, मैं भी कर रही हूँ। और वहाँ हमारी दीदी बैठी हैं, वहाँ हमारी आर्टिस्ट जो है वो अपना काम कर रही हैं। देखते हैं क्या कर रही हैं ये आज, क्या बना रहे हो। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस दोस्तों, इतना अच्छा बनाने के बाद भी कह रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस से ही फिनिशिंग आती है, और प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए। चलिए फिर आपको ये देखिए, मेरे जूते पड़े हैं, यहाँ मैं बैठी हूँ, ये मेरा स्थान है, यहाँ बड़ी दीदी का स्थान है। यहाँ उल्टा ही चल रहा है, बड़ी दीदी नीचे बैठी हैं और छोटी दीदी ऊपर बैठी हैं। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये लोग एक एक करके अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इधर हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हम रील्स बना रहे हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम रील्स बना रहे थे और हमें गाना ही सुनाई नहीं दे रहा था, तो मेरी बहन को लग रहा है कि गाना ही नहीं बजा, लेकिन गाना बजा था। क्या बोल रही है, क्या बकवास कर रही है। तो दोस्तों, अब हम घर पे आ गए हैं और अब मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं थोड़ा अपना स्टिचिंग कर रही हूँ। मेरे पास एक ऑर्डर आया था न्यूबॉर्न बेबी के लिए और एक उससे बड़े बेबी के लिए, मुझे एक ब्लूमर और एक झबला बनाना था, तो मैंने वो बना रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अब ये मेरा ब्लूमर रेडी हो चुका है और इसकी मैंने 200 चार्ज किया था। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये झबला और ब्लूमर कैसा लगा। ये देखिए ये हो चुका है अब रेडी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।